फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है पैगाम लेक। क्या बात है, रात के 9:45 करके। ओह एकदम आराम से आ जाएगा, आराम से भाई। तो हम यहाँ से बैक हो रहे हैं और ये आगे जाएगा तुरतुक। मैं इसको बाय नहीं बोल रहा हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलते हैं। हाँ ठीक से राइड करो। ये रहा सीन, ओ भाई सीन, वीडियो वाव जबरदस्त। अब पेंगोंग के रास्ते भाई कहीं कहीं पे रोड अच्छे बने हैं 2-5 किलोमीटर, और कहीं कहीं पे भाई सीनरी है जबरदस्त और रोड है ख़राब। ओ लड़के तो पागल हो गए, बहुत पहाड़ काट के रास्ता बना दिया भाई उन्होंने। भाई क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, वाह क्या नज़ारे। शाम हो चुके हैं और 7:30 हो गए। ये है श्योक विलेज। कहाँ जाना है? पीछे तो बहुत मस्त था, अब जबरदस्त है। देखने जा रहे हैं तो इतना आसान थोड़ी है। यहीं पे होता वाटर क्रॉसिंग, समझे? जो वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग अभी नहीं है। 8 महीने में ये रोड भी ख़त्म, मतलब अगले साल ये रोड बन जाएगा, पूरा मस्त बन जाएगा भाई। देखो काम चालू है यहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग दुरबुक, और यहाँ से रास्ता जाता है पेंगोंग TSO। 40 किलोमीटर टांग से, 5 किलोमीटर है चांगला शक्ति लेक कारू। तो हम यहाँ से बैक हो रहे हैं और ये आगे जाएगा तुरतुक। मैं इसको बाय नहीं बोल रहा हूँ, बट बेस्ट ऑफ लक, आगे मिलते हैं। हाँ ठीक से राइड करो। जरूर। और कहीं मिलने मेरे दिल्ली में तो मिलेंगे, जरूर मिलेंगे दिल्ली में, है ना? चल ठीक है। हाँ क्या व्यू आ रहा है वापसी आते हुए, जबरदस्त व्यू है, नज़ारे बहुत अच्छे हैं। रोड टू पेंगोंग, तो पेंगोंग की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। रास्ते तो सही लग रहे हैं, थोड़ा सा पीछे हमें गलत चले गए थे, हटारे रोड में चले गए थे भाई, परेशान हो गया मैं, सैंड वैंड सब मिल गया। तो मेरी बाइक पे अनीस बैठा हुआ है अभी, वो शंकर अकेले लेकर के जा रहा है, और इन्होंने ये वाला रोड बना दिया। मुझे लगता पहले ये बहुत ख़राब रहा होगा, मस्त है अगर ऐसा ही रोड रहा तो मज़ा आ जाएगा आगे। तो भाई पेंगोंग का रोड देखो, पीछे तो बहुत मस्त था, अब जबरदस्त है। ओह हो, भाई 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 डबल लोडिंग है तो और भी बहुत जंप मार रहा है गाड़ी। खूबसूरत चीज देखने जा रहे हैं तो इतना आसान थोड़ी है। यहीं पे होता वाटर क्रॉसिंग, समझे? जो वहाँ पे वाटर क्रॉसिंग अभी नहीं है। ओह रोड कहाँ है? रोड लगता है उखड़ गया है। लग तो यही रहा है, ऊपर देखो ना रास्ता था ऊपर, ये दे तो रहा है मैप में। बोले पीछे रहने के लिए फिर आगे भाग गया। कहाँ जाना है? शुक्र मनाओ कि सूखा है। सूखा है इस सूखे में,
इतना क्या बोलते हैं उसको भाई कहाँ जा रहे हो? लोनी वाला है लोनी का है, इसीलिए उसने कहा था बुड्ढे ने तुम नहीं जा पाओगे पेंगोंग, रोड अच्छा नहीं है। अभी जस्ट पीछे हमने कुछ खाना पीना खाया, कुछ भी मिल गया खा लिया। अब पेंगोंग के रास्ते भाई कहीं कहीं पर रोड अच्छे बने हैं 2-4-5 किलोमीटर, और कहीं कहीं पे भाई सीनरी है ज़बरदस्त और रोड है ख़राब। मस्त सुनसान से रास्ते पे, नए नए रोड पे, सड़क पे क्रूज़ करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। और हाँ, अच्छा लग रहा है। पेंगोंग जा रहे हैं, पेंगोंग लेक, क्या बात है। आज मेरा एक ये भी सपना पूरा हो जाएगा। चलो चलो भगाते हैं बाइक। चलो अब मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा, मजा आ रहा, जबरदस्त मजा आ रहा है। 6-7-8 महीने में ये रोड भी खत्म, मतलब अगले साल ये रोड बन जाएगा, पूरा मस्त बन जाएगा भाई। देखो काम चालू है यहाँ पे, बहुत बढ़िया, अच्छा बन जाएगा पूरा रोड तो, ज़बरदस्त। ये इन्होंने कंक्रीट करके तब ऊपर पिचिंग मार रहे हैं, बाकी वैली सब ज़बरदस्त लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ले गए थे, हाँ भाई गए थे, अच्छा बैंकॉक गए थे, अरे नहीं, अरे बहन की बड़ी खीर कहाँ गए थे भाई, क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, वाह क्या नज़ारे हैं। पेंगोंग के रास्ते जैसे जैसे चेंज होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे नज़ारे बदलते जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत मज़ा आ रहा है। लद्दाख से जो रास्ता है, सॉरी लेह का जो रास्ता है, वो हिमाचल का रास्ता है, वो सभी रास्तों को हटा के ये रास्ता देखोगे तो एकदम आपको एकदम अलग फील आएगा। ए टू जेड ये रासी, ओ भाई सीन, वीडियो वाओ, जबरदस्त, गजब, बहुत ही खूबसूरत। ओ लड़के तो पागल हो गए, बहुत पहाड़ काट के रास्ता बना दिया भाई इन्होंने। वाओ व्हाट अ लवली व्यू, मजा आ गया यार कसम से। हो, क्या बात है। ओ हो भाई जबरदस्त नज़ारे, नज़ारों की कमी नहीं है। तो भाई साहब पेंगोंग पेंगोंग पेंगोंग, अब आइए तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग, पूरा रोड का धज्जी उड़ा हुआ है। और देखो यहाँ पे तो अनीश को साथ रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाह करके। ओह एकदम आराम से आ जाएगा, आराम से भाई, आराम से आराम से आराम से आराम से,
चलो चलो चलो। शाम हो चुके हैं और 7:30 हो गए। यह है शेयोक विलेज। तो शेयोक विलेज से हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पे होम स्टे वगैरह सब कुछ है, बट हमारा लोकेशन अभी 60 किलोमीटर और है, तो हम क्रॉस कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मस्त। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग दुर्बुक, और यहाँ से रास्ता जाता है पेंगोंग टीएसओ 40 किलोमीटर, टांग से 5 किलोमीटर है चांगला शक्ति ले कारू। तो अपने को जाने का है पेंगोंग। जी हाँ, तो ये है कुछ इस तरीके का। पीछे से था, पीछे आपको था लगभग कुछ हमारा आर्मी एरिया, तो हमने शूट नहीं किया। मस्त वाइब आ रही है, ज़बरदस्त है, और टाइम हो चुका है रात का, 8 बज चुका है आई थिंक सो, बट ज़बरदस्त है। यहाँ पे सीधा भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। वैसे हमें जाना है इधर, पैर साला भाग गया उधर। अच्छा, यहाँ पे अपना यहाँ पे रूम भी ले सकते हैं और रह भी सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे, बढ़िया है, मज़े है। चलोगे आगे, चलना है, चलो। तो आगे हमारा जो डेस्टिनेशन है लगभग 42 किलोमीटर और है, तो एक भाई साहब और जुड़ गए पल्सर वाले, ठीक है, तेलंगाना से, तो इनको भी कवर अप करते हैं और निकलते आगे। आ जाओ, चलो, ओके, चलो जी। मस्त है यहाँ पे, तो दुर्बुक में बहुत बढ़िया बना हुआ है, खाना पीना रहना सहना सब कुछ है, जैसे कोई थक जाता है यहाँ रह ले, बट हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम सीधा रुकेंगे पेंगोंग। फाइनली आपका भाई पहुंच चुका है पेंगोंग लेक। क्या बात है, रात के 9:30 बजे वो सामने होटल वगैरह है, आज वही स्टे करेंगे। तो रात को तो खा पी करके आके सो गया था। तो छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बढ़िया सा कमेंट करना। और अब जस्ट ही बाहर निकलूंगा और आपके बाहर के व्यू, पेंगोंग लेक के व्यू से वीडियो स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं तैयार हो चुका हूँ, ठंड बहुत ज़्यादा है। शेयर करें वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, शुक्रिया। लाइक करना, शेयर करना।